बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे जो इंस्टॉलेशन शेयर करूंगा, हमने E11 इस्लामाबाद में किया है और इन्वर्टर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया वो 10 किलो वाट का है। बिफोर गोइंग टू डिटेल्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वेल, लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इन्वर्टर। जो यहाँ पर हमने इन्वर्टर यूज़ किया है वो 10 किलो वाट थ्री फेज है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, और यहाँ पे भी ये जो साइड है नेट मीटरिंग का है। आप देख सकते हैं इन्वर्टर जो है काफ़ी खूबसूरत इन्वर्टर है, और ये 4G आप कह सकते हैं इसकी जो सीरीज़ है। अगर जो DB देखें, आप DB देख सकते हैं, और यहाँ पे भी हमने इस साइड पे भी कोशिश किया कि प्रॉपरली इंसुलेशन करें, वायर जो हैं वो ओपन नज़र ना आए, और इसी तरह प्रॉपरली यहाँ पे भी हमने जो प्रोटेक्शन है वो लगाए हैं। आप ये देख सकते हैं इन्वर्टर का डिस्प्ले, दो डिस्प्ले थोड़ा इस इन्वर्टर का छोटा है, बट स्टिल यू कैन व्यू द डिटेल्स फ्रॉम द वाईफाई एज वेल। इस वजह से हमने यहाँ पे डोंगल जो है वाईफाई इंस्टॉल किया है। और इसी तरह अगर जो हम DB देखें, तो यहाँ पे हमने 4 पोल जो है वो श्नाइडर का ब्रेकर यूज़ किए AC, और साथ हमने डेन की जो है वो SPD यूज़ की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये साइड भी जो है वो बाय डायरेक्शन साइड है, यहाँ पे भी नेट मीटरिंग की जो कस्टमर को है वो फैसिलिटी है। तो चले मैं आपसे नेट मीटरिंग के जो मीटर होता है जिसमें बाय डायरेक्शन है, उसके बारे में भी आपसे शेयर कर लूँ। ये मीटर है, आप देख सकते हैं इसमें दोनों यूनिट्स आपको शो हो रही होती है, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी। और अगर जो आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आपका बिल नेगेटिव में आएगा, और अगर जो आपकी इम्पोर्ट ज़्यादा है तो आपका बिल पॉजिटिव में आएगा। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं आपसे डिटेल एनालिसिस कर चुका हूँ, कस्टमर के रिव्यूज़ भी ले चुका हूँ, बिल्स की डिटेल्स भी शेयर कर चुका हूँ। अगर जो आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, तो इससे प्रीवियस वीडियोस में आप कंप्लीट डिटेल्स जो है वो नेट मीटरिंग की देख सकते हैं, और कस्टमर्स के इंटरव्यूज़ भी मैं ले चुका हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है हमने कस्टमाइज़ किया है। ऑलरेडी पहले स्ट्रक्चर लगा हुआ था यहाँ पर, हमने लगा चुके थे, तो उसी स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे जो है वो पैनल्स इंस्टॉल किए हैं, बिकॉज़ हमारे पास स्पेस थी। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, कस्टमाइज स्ट्रक्चर है एज़ यूजुअल। यहाँ पे भी हमने जो है एंगल जो है टुवर्ड साउथ वेस्ट दिया, ऑलमोस्ट 198 डिग्री जो है, और टिल्ट जो है इसका 20 डिग्री टिल्ट एंगल है। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात की जाए, तो काफ़ी बेहतर प्रोडक्शन है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्शन का भी एनालिसिस कर चुका हूँ। स्ट्रक्चर की आप देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर है, और इसको जो है वो 16 गेज जो MS का पाइप यूज़ किया है, और आप देख सकते हैं कि कोशिश की है कि जो स्ट्रक्चर है उसको मैक्सिमम जो है मजबूत बनाया जाए। और इसी तरह आप देख सकते हैं हमने लाइटनिंग रेस्टर भी यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, बिकॉज नेट मीटिंग की साइड है, तो वी डिड फॉलो ऑल द प्रोसीजर्स ऑफ द नेप्रा एज वेल। इफ़ यू लाइक अवर वीडियोज, यू कैन गिव अस कमेंट एंड यू कैन गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक, सो वी कैन इम्प्रूव इन अवर नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। स्टे होम एंड स्टे सेफ।